प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने वाले डॉक्टर की सेवा मेडिकल शिक्षा संचालनालय ने समाप्त कर दी है, लेकिन विभागीय मेहरबानी से डॉक्टर उल्लास गोनाडे अपने पद पर बने हुए हैं। दरअसल डॉक्टर उल्लास की पहली शिकायत 2008 में और दूसरी शिकायत 2016 में हुई थी। शिकायत के आधार पर गठित हाई पावर कमेटी ने 13 बिंदुओं में जांच के आधार पर अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया और कार्रवाई करने की अनुशंसा की, जिसके बाद उल्लास सह प्राध्यापक सिम्स बिलासपुर की सेवा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया था। इस मामले में शासन FIR के लिए दो बार पत्र लिखा, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। निदेशक विकास कुमार से बातचीत के सत्या राजपूत ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में दोषी सिद्ध होने के बाद विभाग के द्वारा कैसे कार्रवाई में त्रुटि की और इसके वो दोषी को कैसे फायदा मिला जिसके वजह से उसे कोर्ट का स्टे मिला हुआ है, इस वक्त शिकायतकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विकास कुमार ध्रुव जी हैं जो मेडिको लीगल के निदेशक हैं वर्तमान में। ध्रुव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मामला कब आया था, शिकायत कब हुई थी इस मामले पे? देखिए, शिकायत के पहले की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये व्यक्ति जो है फर्जी तरीके से नौकरी में घुसा कैसे। सन 1994 में डॉक्टर उल्लास गोनाडे फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, जिसमें जाति का उल्लेख उनका हलवा था, इसके आधार पर नौकरी हासिल किया। फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग मेडिकल कॉलेज रायपुर में प्रदर्शक के पद पर इन्होंने नौकरी शुरू किया। उसके बाद से लगातार नौकरी में बने रहे। इसके बाद आदिवासी विकास परिषद के द्वारा सबसे पहले शिकायत की गई सन 2008 में। शासन के स्पष्ट नियम हैं, अधिनियम 2013 बना हुआ है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो भी व्यक्ति लाभ लेता है शासन से, तो उसकी पूरी वसूली की जाए और उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको सजा दिलाई जाए और उसके जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सारे सर्टिफिकेट जब्त किए जाएं। क्या कोई हुआ यहाँ पे FIR दर्ज वगैरह? शासन से आदेश आया है FIR दर्ज कराने का और मैंने मेडिको लीगल संस्थान के नाम से आया है, प्रभारी निदेशक के नाम से, और मैंने उस शासन की कॉपी को संलग्न करते हुए पत्र जारी किया है थाना प्रभारी महोदय पारा के नाम से, लेकिन आज तक उनके द्वारा दर्ज नहीं की गई है। तो ये बड़ी खेद की बात है, इतना मतलब गंभीर अपराध है ना, कोग्निजिबल ऑफेंस है, इसमें तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी उसको सजा होनी चाहिए। तो अभी आपने शिकायतकर्ता को सुना, इससे साफ जाहिर होता है अगर विभाग की मंशा है कि किसी दोषी को पनाह देना है, उसको बचाना है, तो किस तरह कार्रवाई में, जो कागजी कार्रवाई में उसमें चूक करते हुए उनको बचाया जा सकता है। ये पहले से रणनीति की तरह इसमें पूरा रणनीति बना लिया जाता है, एक षड्यंत्र पूर्वक रणनीति बनाया जाता है, उसके बाद अंजाम दिया जाता है और इस तरह कार्रवाई में लेट लतीफी के कारण जो आरोपी है, दोषी है, उसको इसका फायदा मिलता है। अब देखना ये होगा कि ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और इसके बाद इस पे किस तरह की आगे कार्रवाई होती है। कैमरामैन नागलकर के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। खबर रायपुर।